नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। हेलो, तुमने गोल्डी बराट का नाम तो सुना ही होगा, वही जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को उड़ाया था। मैं उसका राइट हैंड हूँ, मैंने तुझे मारने की सुपारी ली है। मूसेवाले को तो मैंने सिर्फ 6 गोलियां मारी थी, लेकिन तुझे मैं 12 गोलियां मारूंगा। यह धमकी एक फोन कॉल के जरिए स्टेशन रोड पर मोबाइल शॉप चलाने वाले जयप्रकाश गुप्ता को मिली। दहशतगर्द ने जयप्रकाश को एक नहीं दो बार फोन किया, वॉइस मैसेज भेजा और क्रॉस लगी एक तस्वीर भी पोस्ट की। सीधी गोली मार देने वाली इस फोन ने ना केवल जयप्रकाश बल्कि उसके पूरे परिवार को खौफजदा कर दिया है, लेकिन उसने हौसला दिखाया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराट का राइट हैंड बताने वाले कथित गुर्गे की तलाश के लिए साइबर सेल की भी मदद ले रही है। दरअसल स्टेशन रोड पर जेपी मोबाइल नाम से मोबाइल शॉप चलाने वाले डिलोरा रोड टिकुरिया टोला निवासी जयप्रकाश गुप्ता के मोबाइल फोन पर 6 जनवरी की रात मोबाइल नंबर से एक अनजान कॉल आई। कॉल करने वाले ने पहले तो खुद को जयप्रकाश का दोस्त बताया, लेकिन जब जयप्रकाश ने अनभिज्ञता जाहिर की तो उसने खुद को गैंगस्टर का गुर्गा बताना शुरू कर दिया। जयप्रकाश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रात में जब वह घर पहुंचा तो उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक क्रॉस लगी फोटो के साथ वॉइस मैसेज पड़ा था, जिसमें कॉल करने वाले शख्स ने धमकी रिकॉर्ड कर भेजी थी। उसने मैसेज में कहा था, तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, मैंने 12 लाख में तुम्हें मारने की सुपारी ली है, सिद्धू मूसेवाले को भी मैंने गोली मारी थी। कुछ समय बाद उसका फोन रात लगभग 11 बजे फिर आया, जिसमें दहशतगर्द ने जयप्रकाश से कहा कि उसने मूसेवाले को 6 गोलियां मारी थी, लेकिन उसे 12 गोलियां मारेगा क्योंकि उसे जयप्रकाश के बात करने की टोन पसंद नहीं आई है। और वह फोन तो इसलिए कर रहा था क्योंकि किसी को मारने के पहले वो लोग यह पता लगाते हैं कि सामने वाला गरीब तो नहीं है। जयप्रकाश ने बताया कि धमकी के बाद जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह होते ही उसने इसकी जानकारी वैश्य समाज के नेताओं को दी। उनके साथ वह कुलगवा थाना पहुंचा, जहां गैंगस्टर के कथित गुर्गे के खिलाफ उसने शिकायत दर्ज कराई। TI कुलगवा DP सिंह ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 507 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर का एरिया कोड वेस्टर्न 3rd Carolina USA का है। ऐसा लगता है कि आरोपी ने किसी ऐप के माध्यम से कॉल की है ताकि उसकी सही लोकेशन के बारे में पता ना चल सके। इस मामले में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। धमकी भरी यह कॉल किसी की शरारत भी हो सकती है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। गौरतलब है कि 29 जून को पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाले पर पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई थी। हमलावरों ने उनकी थार जीप पर 12 राउंड फायरिंग की थी। घटना में मूसेवाले की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि मूसेवाले की मौत की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बराट को हिरासत में ले लिया गया है। अज्ञात कौन था मैं इसको नहीं जानता था। पहले मित्र बन के बात किया उसने, मित्र बनने के बाद इसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आपकी मारने की सुपारी लिया हूँ, मैं आपको मार दूंगा। मैंने उसका फोन इग्नोर कर दिया। इसके बाद रात को मुझे फोन आता है, तो वो मुझे बताता है कि सिद्धू मूसेवाले को मैंने मारा है, मैं तुझे भी गोली मार दूंगा, तेरे को मारने की मुझे सुपारी मिली है 12 लाख रुपए की। मेरे पूछने पर भी उसने कुछ बताया नहीं। उसने अपना कुछ परिचय बताया? कोई परिचय उसने बताया, गोल्डी बराट का मैं दाहिना हाथ हूँ, मेरे को सुपारी मिली तेरे को मारने के लिए, तेरा फोटो और तेरा मोबाइल नंबर मेरे पास आया, मेरी बिल्डिंग जम चुकी है, मैं तेरे को मार दूंगा। फिर हम थाने में गए हरिओम भैया जी के साथ, वहाँ हमने FIR दर्ज करवाई, पक्की FIR। FIR दर्ज कराने के दौरान भी उस समय फोन आया उसी व्यक्ति का।